सो ये मैंने लगा दिया है अपने पूरे फेस पे। तो मैं आपको बताऊंगी ब्लीच वैसे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, तो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। सो मैं बुलबुल डी के ब्लॉग्स में आपके लिए लेकर आई हूँ एक अच्छा सा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है क्या। हाँ, सो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई एक नेचर की गोल्ड ब्लीच है जिसे मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज करते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ताकि आपको मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे मिलते रहे। सो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज ये नेचर की गोल्ड ब्लीच है जो कि है, मैंने इसे बाय करी थी 38 रुपीज़ में। सो आप लोग कोई भी जनरल स्टोर या दुकान से ख़रीद सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप ब्लीच कर सकते हो और इसका सही तरीका क्या है। सो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग ब्लीच करें या नहीं करें, तो मैं आपको बताऊंगी ब्लीच वैसे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट हाँ अगर आपको कोई फंक्शन में जाना है, जैसे ही कोई शादी है, तो आप लोग फटाक से ब्लीच को कर सकते हो। तो मैंने तो अभी वैसे किया नहीं है, बट अब मैं करके दिखाऊँगी आप लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें गीला कपड़ा ले लेंगे जिससे अपने फेस को अच्छे से पोंछ लेंगे। अगर आपका फेस वॉश है तो अच्छी बात है, बट हम अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। देख सकते हो आप लोग, मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। फेस पे कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, ऑयल वगैरह, ठीक है। तो अब हम अच्छे से अपने बालों को बांध लेंगे जिससे कि बाल बीच में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ले ली है ये ब्लीच, अब हम इसे खोलेंगे। आप लोग आपके फेस के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हो, वैसे मेरे पास इतनी ही बची, आप लोग देख सकते हो, तो मैं इतनी ही यूज़ करूँगी। और हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है तो आप लोग, ये नेचर का है गोल्ड पाउडर है ये नेचर का, तो आप लोग की स्किन अगर ज़्यादा ही डल है तो आप लोग इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा ले सकते हो। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो आप लोग इसे सिर्फ 2 या 3 चुटकी लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे मिला रही हूँ अच्छे से, खुल नहीं पा रहा है, खुल गया वैसे। तो हमें इसे लेना है 1 या 2 चुटकी, तो हम इसे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मेरा कलर ज़्यादा डाउन नहीं है, बट हाँ अगर किसी का कलर ज़्यादा डाउन है तो आप लोग इसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। एंड मैं इसे अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, देख सकते हो आप लोग, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हमें जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से मिक्स करना है इसे। आप लोग ब्रश का यूज़ भी कर सकते हो, बट मुझे हाथ से ज़्यादा सही लगता है इसलिए मैं हाथों से यूज़ कर रही हूँ। सो इसे हम अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे एंड अपने नेक पे भी अप्लाई करेंगे अच्छे से, बट मैं अभी नेक पे अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं है इसीलिए। सो आप लोग देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सो अब मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। हमें इसे सिर्फ 15 से 20 मिनट रखना है, इसे ज़्यादा नहीं रखना है हमें, क्योंकि हमें फिर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसे सिर्फ 15 मिनट तक के रखेंगे। सो आप लोग लगा सकते हो ऐसे नॉर्मली हाथों से, अपने आँखों से थोड़ा दूर रखेंगे हम। सो मैं फटाफट से लगा सकती हूँ, जल्दी जल्दी लगा देंगे हम लोग, हम इसे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। सो ये मैंने लगा दिया है अपने पूरे फेस पे। आप लोग यहाँ नेक तक के आपको यूज़ करना है, अच्छे से आप नेक पे लगा लेंगे। उसके बाद सिर्फ हमें इसे 10 से 15 मिनट रखना है, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं रखना है। तो ठीक है, हम लोग वेट करते हैं 15 मिनट पूरे, तो चलो ठीक है वेट करते हैं। मेरे 15 मिनट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो ये अच्छे से सूख गया है। तो मैं अब एक गीला कपड़ा ले लूँगी, इसे मैं अच्छे साफ वाटर में अच्छे से डुबा कर, और फिर हम हमारे फेस को अच्छे से ऐसे ऐसे करके अच्छे से हम लोग पूरे फेस को नॉर्मल हल्के हाथों से हम लोग इसे निकाल लेंगे। हम लोग इसे अच्छे से निकाल लेंगे। आप लोग फेस वॉश भी कर सकते हो, बट इसे पोंछना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इसे अच्छे गीले कपड़े से फिर पोंछ रहती हूँ। हम लोग ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं अपनी स्किन पे, एकदम नॉर्मल हल्के हाथों से हम इसे क्लीन कर लेंगे। देख सकते हो मैंने अच्छे से अपनी
स्किन को पोंछ लिया है। तो देखिए गाइस, मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे फेस पे एक अलग ही ग्लो अप दिख रहा होगा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बट हाँ, इसे ज़्यादा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, हम लोग मंथ में एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप लोग। तो अब हम इसके बाद आप लोग जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते होंगे, मैंने ये लिया है निव्या का क्रीम, तो आप लोग ये निव्या की क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे थोड़ी सी लेके अपने फेस पे पूरे अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या है, हमारी स्किन जो है वो थोड़ी अच्छे से टायर्ड हो जाएगी। तो हम लोग इसे ऐसे यूज़ कर लेंगे। एंड फाइनली मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। तो ये ब्लीच का जो वीडियो था, ये मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस अभी ज़्यादा ग्लो अप कर रहा है। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लीच वाला वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे मेरे आपको और भी आने वाले वीडियोस मिलते रहे। सो बाय बाय एंड जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी ऐसे ही नए वीडियो। सो मिलते हैं फिर गाइस, बाय बाय।